पिछली सरकारों में तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम बाबाओं के ऊपर गोली भी चलवाई गई है, लाठियां भी चलवाई गई हैं पिछली सरकारों में। पिछले यहाँ जो भी विधायक रहे हैं, यहाँ कोई विशेष कार्य तो हमारी समझ में नहीं किए हैं। अब मोदी ने धारा 370 हटाया, राम जन्मभूमि का मंदिर बनवाया और हमारी जो जितनी हिंदू समाज है सब वोट कमल फूल को करेगी। इस समय मौजूद है रामनगर विधानसभा क्षेत्र में कोड़वा बल्लोपुर में, और यहाँ पर हम पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं और सीधे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ तुम अम्प्रिय पाहुन द्वार पधारे, सेवा योग्य न भाग्य हमारे। तो एकदम बिल्कुल चौपाई सही सटीक बैठती है और हम हनुमान जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव, अगर संतों की राय न ली जाए, क्योंकि अगर बात की जाए तो योगीनाथ भी एक उनको योग पुरुष कहा गया, योगी कहा गया, संत ही समझ लीजिए। संतों की सरकार में अगर संतों की राय न ली जाए तो फिर बात बनती नहीं। तो विधानसभा चुनाव लेकर सीधे यहाँ से रूबरू होंगे, पर मसद देखे बैठे हैं बाबा जी। सबसे पहले तो आपका नाम पूछते हैं भाई साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो चंद्रेश कुमार मिश्रा है। चंद्रेश कुमार मिश्रा जी, आप ये बताइए कि सरकार इस बार किसकी बन रही यूपी में, क्या राय कि सरकार इस बार तो योगी आदित्यनाथ की बन रही है। आखिर मुद्दे क्या रहेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए? अब मुद्दे सब विकास के मुद्दे हैं, जो विकास किया है माननीय योगी जी ने, ऐसा कोई विकास तो किया ही नहीं। किसने नहीं किया? पिछली सरकारों ने। अच्छा, नहीं किया पिछली सरकार गिनाती तो हमने बहुत विकास किए हैं। सब झूठ बकवास। सारे मोदी योगी ने ऐतिहासिक काम किया है, माननीय योगी आदित्यनाथ ने। इंजन गरम हो रहा बाप। मोदी ने धारा 370 हटाया, राम जन्मभूमि का मंदिर बनवाया और हमारी जो जितनी हिंदू समाज है सब वोट कमल फूल को करेगी। अच्छा, पूरा हिंदू समाज की बाकी समाज और भी सारी समाज करेगी कमल फूल का वोट करेगी। काहे लिए कमल 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 चल रहा है? कमल कमल इसलिए चल रहा है कि उन्होंने बहुत विकास किया, कोई सरकार ऐसा विकास नहीं कर पाई। कालू ने दिया सरकार तो गिनाती, हमने बहुत कुछ किया, लोहिया आवास लियो दर पे तमाम पेंशन योजना रहे, अखिलेश यादव कहते हैं, कांग्रेस भी कह रहे कि जो तमाम योजनाएं जो हमारे केंद्र में सरकार थी चलाई जा रही थी, सब झूठ के दावे खोल रहे हैं। विधायक की बात कर लीजिए, स्थानीय विधायक कार्यकाल कैसा रहा? स्थानीय विधायक ने बहुत काम किया। क्या नाम है विधायक का? शरद कुमार अवस्थी। क्या काम किए हैं? सड़कें बनवाई हैं, पुल बनवाए हैं और जो है हर गरीब के यहाँ जाते हैं, गरीबों को कम्बल वलमल बंटवाते हैं, किसी के शादी ब्याह में कोई गरीब के सबकी मदद करते हैं और जनता के बीच रहते हैं। पूर्व के जो विधायक रहे जनता के बीच में नहीं आते रहे? कभी नहीं आते ही नहीं थे। तो पंडित जी किस मंदिर पर रहते हैं आप? यही मंदिर पर नहीं रहते हैं हम तो, हमारा गांव है। अच्छा, गांव के हैं, तिलक उलक लगाए तो हमने सोचा कहीं पंडित की पूजा। बाबा जी, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। अवधेशदास जी महाराज। महाराज जी, बताइए संतों की सरकार है उत्तर प्रदेश में, संतों की क्या राय है इस बार? संतों की राय अच्छी राय है। क्या चाहते हैं संत समाज? संत समाज चाहता है योगी की सरकार होनी चाहिए। आखिर कौन से मुद्दे रहेंगे कि योगी की सरकार दोबारा बननी चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है जी, हिंदू धर्म की उनके द्वारा संरक्षण मिलता है जी, और माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं जी, गरीबों का जो है हर जगह सुनवाई होती है जी, और हमारे माननीय विधायक जी जो हैं शरद अवस्थी कुमार जी, वो हर व्यक्ति को हर समाज से उनको जो है जमनी लगाव है जी, और हर बार यहाँ आते हैं, गरीबों को कम्बल बांटते हैं, गरीबों को अच्छी तरीके सुनते हैं, यही सब उनमें अच्छाइयाँ, इसीलिए योगी में भी अच्छाइयाँ हैं जो हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है। पिछली सरकारों में तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम बाबाओं के ऊपर गोली भी चलवाई गई है, लाठियाँ भी चलवाई गई हैं पिछली सरकारों में। पिछले यहाँ जो भी विधायक रहे हैं, यहाँ कोई विशेष कार्य तो हमारी समझ में नहीं किए हैं और जनता के। अच्छा, अखिलेश यादव हमेशा कहते थे कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार होती तब तक हम राम मंदिर का कार्य जो है बहुत पहले शुरू करवा चुके होते। हाँ, सही कहते थे कि वो जो है उनकी सरकार में जो है ये जो उनके मस्जिदें बनवा दी और ये बनवा दिए हैं वो कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा दी है, लेकिन हाँ हमारी समझ से उनकी शरण एक भी मंदिर कहीं निर्माण नहीं हुआ। जो गिरे हुए मंदिर थे उन पे जो है उन्होंने विशेष समुदाय वालों के लिए जो है बाउंड्री ही खिंचवा दी। अच्छा, वो कहते हैं मतलब विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम टारगेट होता, क्या लगता है आपके साथ कितना सही रहता है ये?
ये तो उनका एक पैतृक गुण है, हिंदू मुस्लिम टारगेट, अब वो मुस्लिमों की अपेक्षा उनके पूर्वज भी करते आए हैं, तो उसमें तो उनका भी लगाव रहेगा है मुस्लिमों के प्रति, हिंदुओं के प्रति उनका किसी भी उसमें कोई लगाव नहीं है। सरद अवस्थी जी ने कौन से ऐसे कार्य किए जो आपके नज़र से लगता है कि पूर्व जो विधायक रहे हैं उन्होंने ऐसे कार्य नहीं किए और सरद अवस्थी जी ने ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए? हाँ जी, सरद अवस्थी जी ने ये कार्य किए हैं, ये जो जहाँ खड़े हैं यहाँ पर जो है सड़क नहीं थी। अच्छा, कब से नहीं थी, मतलब कितने वर्षों से सड़क नहीं थी? ये हमारी समझ यहाँ सड़क थी ही नहीं, 50 साल से नहीं थी। 50 साल से नहीं थी। फिर इसके बाद सरद अवस्थी के विधायक कार्यकाल में ये सड़कें बनी हैं। तो आपने कहा था कि खुद उन्होंने बनवाया? नहीं, हमने कहा थोड़ो ना, वो आए देखे, उसके बाद उन्होंने बनवाया, हम क्यों कहेंगे। मतलब ये सड़क कितने गांव जोड़ती है? ये यहाँ सड़क आपको जो है इधर ये जोड़ती है, नवस्ता जोड़ती है, इधर झजरा चौराहा जोड़ती है, इधर ये बल्लूपुर जोड़ती है, इधर लालपुर जोड़ती है, तो सड़क यहीं सब पूरी। अच्छा, ये सरद अवस्थी से पूर्व जो विधायक रहे होंगे वो भी मंदिर दर्शन करने आते रहे होंगे, आते तो रहे होंगे कि नहीं? कम आते थे। कम आते थे, मतलब आते तो सड़क बन जाती। हाँ, अगर आते मंदिर में आते दर्शन करते तब तो बनी जाती, तो आए निकले चले गए इधर सीधे, ये रहा। तो सरकार भाजपा बना, कितनी सीटें जिता रहे हैं आप? भाजपा सरकार बनेगी, कितनी सीटें मिल जाएंगी भाजपा को आपके हिसाब से, क्या लगता है जो माहौल है? हमारे हिसाब से 300 के ऊपर जाना चाहिए। क्या बात है, 300 भाजपा, 300 कांग्रेस कह रहे, 300 सपा कह रहे, कोई 300 से नीचे झुकने की तैयारी नहीं है? तो क्यों झुके हम लोग? हाँ, आखिर हम झुके किस लिए? हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, ना हमारी सरकार ने ऐसा कोई कार्य किया। तो हम लोग कहते हैं जानवरों से परेशान रहते हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई सरकार में। न महंगाई बढ़ी है न बेरोजगारी, रह गई जानवरों की बात, तो उसमें तो ये है, तो गलती हम लोगों की है, दूध खाने के बाद छोड़ देते हैं और दोष किसी को क्यों दें। अखिलेश यादव हमेशा सा कहते रहते हैं कि हमारी सरकार में 108 एम्बुलेंस सेवाएं थी और उसके बाद फिर हमने ये सेवा शुरू करा दी, 100 डायल की सेवा शुरू करा दी, कई ऐसी सुविधाएं थी जो भाजपा सरकार ने सिर्फ हमारी योजनाओं में फीता काटने का काम किया। अब वो उनके विचार हैं, कहते हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस कर्जा माफ़ करने की बात कहती है। कांग्रेस कर्जा कहाँ, अभी वहाँ माफ़ नहीं किया है। कहाँ पे? राजस्थान में कहाँ माफ़ हुआ। अच्छा अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रियंका गांधी हमेशा महिलाओं पर सवाल करती हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो आपकी नज़र से क्या लगता है कि वो उन्होंने महिलाओं को 40% टिकट देने का भी वादा किया है, तो आप उनके इस बयान को किस नज़र से देखते हैं? उनके इस बयान से तो हमको ये सोच रहे हैं कि वो अपना जो है चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं, और ऐसा तो है नहीं, महिलाएं सुरक्षित हैं सरकार में, बल्कि कांग्रेस में और सपा में बसपा में नहीं सुरक्षित थी, ये हम बता रहे हैं। तो संत समाज के लोग चाहते हैं योगी सरकार में? जी हाँ, संत समाज के चाहते हैं, हम अयोध्या से संपर्क बड़ी छावनी से। अच्छा, तो हमारा तो अयोध्या में ही सब जितने संत हैं, हमारे गुरु भाई हैं, गुरुजन हैं, तो वो सब योगी सरकार चाहते हैं। तो गुरु जी अपना एक बार अपना नाम फिर बता दीजिए। हमारा नाम अवधेश दास जी। तो ये थे यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है बड़लोर कोड़वा में, तो ये यहाँ पर तो अवधेश दास जी महाराज से मेरी बात हो रही थी। संत समाज का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बने, अगर क्षेत्रीय विधायक की बात करें तो इस सरद अवस्थी की बात की कि सामने की जो रोड है, हम कैमरा मैन से कहेंगे विजुअल दिखाएं, ये जो सामने का संपर्क मार्ग है ये बता दें 50 वर्षों से नहीं बना हुआ था, एक बार पहली बार सरद अवस्थी जब विधायक बनकर यहाँ, उसके बाद जब दोबारा वो यहाँ पर पहुँचे तो संपर्क बन गया था, कई गाँवों को जोड़ता, तो उन्होंने कहा कई ऐसे कार्य किए जो 50 वर्षों में यहाँ के अन्य विधायकों के द्वारा नहीं किए गए थे। फिलहाल संत समाज की जो जा रहा है वो साफ तौर पर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बने। यूपी टीवी के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।